नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पी एस सी जी डी सी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे ये आपके जी पेपर फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण है और यू पी का जो पेपर है वह पंद्रह मार्च दो को कराया जाना है तो फर्स्ट पेपर के लिए आपका जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में वे लाइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पी इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है वहाँ से ज्वाइन करके आप पी भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पहले जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जो है राज्य व्यवस्था का वीडियो अपलोड किया गया है तो उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अकेडमी आपके लिए लेकर क्या है गेट थर्टी परसेंट ऑफ यदि आप यू पी पी एस सी या फिर यू पी थ्री प्लस सी एग्ज़ाम की प्रिपेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकेडमी पे तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है या फिर आपका सीमित समय के लिए है केवल आठ और नौ मार्च तक ही आपका ऑफर वैलिड रहेगा तो जो लोग भी यू पी त्रिपुरशी बी हुआ यू पी त्रिपुठसी लेखपाल एग्ज़ाम यू पी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं नीचे आपको जो है ऑफ़र प्राइस दे दिया गया है वहाँ पे आप डिटेल जाके देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है वहाँ से जा चेक कर सकते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर जिससे आपको वहाँ पर एडिशनल टेन का डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये आप रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा बाकी आपका ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया गया है वीडियो के लिए लिखवाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर आप यूपी पीसीएस या और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अनकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्सन में आपको डिटेल दे दिया गया है दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था चार विकल्प दिया गया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन सही होगा बी डी सावरकर इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर तो वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था और बी डी सावरकर एवं गणेश सावरकर के द्वारा अठारह में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में जाकर के अभिनव भारत इसका नाम किया गया था दूसरा प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया तो उनकी हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में ई यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा तीस अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका परंतु किंग फोर्ड जो है किंग्स फोर्ड वह बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुद ही राम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी तो सन पूछा गया 1908 सही हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एच आर का सदस्य नहीं था तो एच आर के सदस्यों में देखा जाए शिव वर्मा यह एच के सदस्य नहीं थे और शिव वर्मा यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे बाद में ये इसके परवर्ती संगठन यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एच एस आर ए से जुड़े और बाकी जो है भगत सिंह हो गए चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये एच आर ए के सदस्य रहे थे शिव वर्मा को लाहौर षडयंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था पंक्ति है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है तो किसके द्वारा ये लिखा गया है तो बिस्मिल के द्वारा ये ऑप्शन सही होगा ये गज़ल जो है शायर थे बिस्मिल अजीमाबादी इनकी है बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन वे वर्ष 1901 में पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाह गांव में पैदा हुए थे यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़्फ़्फ़ार की पत्रिका शबाह में यह छपी थी तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिस्मिल अजिमाबादी का ये गज़ल है पांचवा प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है तो फिरोजपुर में इनका स्मारक है ये विकल्प सही हो जाएगा फिरोज सा सॉरी फिरोजपुर में जो है शहीद भगत सिंह स्मारक यह बना हुआ है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष तेईस मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि तेईस मार्च उन्नीस को भगत सिंह को फांसी हुई थी इसलिए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा फिरोजपुर में इनका स्मारक है छठवां प्रश्न है लाहौर षडयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी तो बटुकेश्वर दत्त को ए विकल्प सही हो जाएगा लाहौर षडयंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी भी दे दी गई जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है, वहां पर भेज दिया गया था सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया है महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आठवां क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार इसलिए प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे तो वह थे प्यारेलाल सी ऑप्शन से हो जाएगा नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी दसवां प्रश्न निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था तो वह था वायकोम सत्याग्रह केरल में हुआ था ये सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे वाइकोम के मंदिर में प्रवेश संबंधी सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था जबकि खेड़ा सत्याग्रह हो गया और रा, राजकोट सत्याग्रह असहयोग आंदोलन इन सब का नेतृत्व तो स्वयं गांधी जी ने किया था राजकोट सत्याग्रह आपका हुआ था उन्नीस में इसके संबंध में महात्मा गांधी जी के चार दिनों के जो अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे ग्यारहवा क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह जो दिया गया 1918 में हुआ था सविनय आंदोलन ये आपका 1930 में और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में तो सबसे पहले पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में बारहवा प्रश्न बंग भंग का उद्देश्य था इसका उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में देखा जाए तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए विशिष्ट है क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेसियों के दोनों समूहों यानी कि नरम दल और गर्म दल के मध्य मतभेद को सुलझाए गए थे साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ था जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को वह मान लिया था अगला क्वेश्चन है राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च उन्नीस में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था तो वह थे विंस्टन चर्चिल सी विकल्प सही होगा ब्रिटेन के दक्षिण पंथी नेता थे विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर दो द्वितीय गोल में सम्मेलन के समय इन्होंने कहा था द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो 1931 में हुआ था पहला गोल में सम्मेलन 1930 में कुल तीन गोल में सम्मेलन हुए थे और लास्ट यानी कि तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था इंग्लैंड में पंद्रवा क्वेश्चन है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध हो गई किस नेता ने यह कहा था तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे और तीस अक्टूबर उन्नीस में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा गंभीर प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे घायल होने के बाद ये कथन उनके द्वारा कहा गया था सोलह क्वेश्चन है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है तो है राजा राममोहन राय बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक एवं आधुनिक भारत का पिता और नव भारत का तारा इन नामों से इनको जाना जाता है और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी गई थी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो अकबर द्वितीय के द्वारा अकबर टू के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी राम राय को सत्रहवा प्रश्न है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी तो लॉर्ड कार्नवालिस के काल में भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कार्नवालिस कार्नवालिस का जो शासनकाल था सत्रह सौ छियासी से लेकर के सत्रह सौ तक इनके शासनकाल में यह शुरू की गई थी लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और उसने कार्नवाली संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथककरण पर आधारित थी इसने कर तथा न्याय प्रशासन को भी अलग किया कार्नवालिस ने पुलिस कर तथा व्यापार क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए थे लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में अगला क्वेश्चन अब देखते हैं व्यायाम मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी तो यह महाराष्ट्र में किया गया था बी विकल्प सही हो जाएगा महाराष्ट्र में तिलक के दो शिष्यों दामोदर हरि चापेकर व बालकृष्ण चापेकर के द्वारा अठारह और संतानवे ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य था नौजवानों को संगठित कर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना उन्नीसवें अठारह अप्रैल 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था तो इसका नेतृत्व तो गणेश घोष के द्वारा किया गया था बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन है का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था तो वह चंपारण सत्याग्रह डी ऑप्शन सही हो जाएगा अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी सहित ब्रजकिशोर प्रसाद राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर ही जो है गांधी जी चंपारण गए थे तो राम राजकुमार शुक्ल हो गए संत राउत राजेंद्र प्रसाद नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह महादेव देसाई ये सभी इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे इक्शों क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी तो 1940 में किया गया था 1940 में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था पाकिस्तान शब्द के जनदाता चौधरी रहमत अली थे और लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था तो सन पूछा गया 1940 सही हो जाएगा बाईसवा क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था तो शिमला संधि पत्र में बी विकल्प सही हो जाएगा मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थित है इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था इसीलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है और भारत पाकिस्तान के बीच पूछा जाता है कौन सी रेखा है तो वह है रेडक्लिप रेडक्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है मैकमोहन भारत और चीन के बीच तीसरा प्रश्न है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी तो किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सन अठारह सौ में सर सैयद अहमद खान ने की थी यह मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और सर सैयद अहमद खान के द्वारा तहजीब उल अखलाक जिसे कहते हैं सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया था चौबीसवा प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था तो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सी विकल्प सही हो जाएगा बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना उन्नीस में प्रस्तुत किया था इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में सात वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था पचीसवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया तो है चार्ल्स आयोग बी विकल्प से हो जाएगा सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग अठारह सौ में इसका गठन हुआ था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। छब्बीसवा प्रश्न नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सी विकल्प से हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन छ्रैल उन्नीस 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन का शुभारम्भ किया गया था सत्ताईसवा क्वेश्चन है किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और ईश्वर है और वह ईश्वर है तो ये मोहनदास करमचंद गांधी कहे थे सी विकल्प से हो जाएगा सत्य और अहिंसा ये गांधी जी का मूल मंत्र था गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता गांधी जी ने लिखा भी है कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं सिवाय सत्य की मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूं। तो महात्मा गांधी का है ये अट्ठाईसवा प्रश्न है गांधी को माना जाता है तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वे जो है राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे उनका कहना था किस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो वे नहीं चाहते थे कि, कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाए जाएँ उनतीसवां प्रश्न देखते हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो अरविंद घोष इसके लेखक हैं सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया था और अलीपुर षडयंत्र केस के पश्चात इन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया था तीसरा क्वेश्चन है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था सी ऑप्शन सही हो जाएगा पे गांधी जी ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर इन्होंने सीखा था आगे इस कला का प्रयोग भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में किया और देश को आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त की थी ये क्वेश्चन पूछा था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे तो उन्नीस पंद्रह में पच्चीसवा प्रश्न उन्नीस सौ तीस में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार सी विकल्प पे सही हो जाएगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होगा बारह मार्च उन्नीस सौ तीस को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से यह शुरू हुआ था और छह अप्रैल उन्नीस सौ तीस को दांडी पहुंचे और मुठ्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उन्नीस में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई थी कब तो यह हुआ था आपका 1915 में सी विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल पत्रिका शुरू किया था तो किंतु जो है ब्रिटिश सरकार में सेंसरशिप अधिनियम 1914 के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके, का, जिसके कारण जो है वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया इसके बाद आजाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक जो है साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी अब यहाँ पे मिलान करना है सूची वन को सूची टू से और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो सबसे पहले दिया गया सरोजनी नायडू तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध हो जाएगा एक का हो जाएगा दूसरा एम ए जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग तो बी का हो जाएगा पहला फिर है तेज बहादुर सप्रू तो ये लिबरल पार्टी से थे सी का हो जाएगा चौथा और बी डी सावरकर इनका संबंध हो जाएगा हिंदू महासभा से डी का हो जाएगा तीसरा दो एक चार तीन तो दो एक चार तीन आप देखते हैं ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पैंतीसवां क्वेश्चन है जब स्वतंत्रता की माउंट बिटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो आचार्य कृपलानी थे डी ऑप्शन हो जून उन्नीस सौ सैतालीस को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे और नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र भी दे दिया था छत्तीसवा क्वेश्चन देखते हैं किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था तो यह था असहयोग आंदोलन सी ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में तो खिलाफत आंदोलन उसके पहले हुआ था 1919 में तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका असहयोग आंदोलन है यदि ऑप्शन में रहता खिलाफत आंदोलन तो वो भी आपका सही होता अगला क्वेश्चन है, है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था तो भारत भाग्य विधाता के नाम से यह प्रकाशित हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगणमन सबसे पहले जनवरी उन्नीस सौ बारह भारत में जनवरी उन्नीस सौ बारह में भारत में जो है भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और तीसरा प्रश्न उन्नीस सौ सत्ताईस में ब्रुसेल्स जो तो कि बेल्जियम की राजधानी है में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था

पिता कहा जाता है वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप में एक शिखर के समान थे और वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं क्वेश्चन है भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है यह घोषणा किसने की थी तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा यह घोषणा स्वामी विवेकानंद ने की थी कि इन्हीं के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी ये पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी तो अठारह सौ में की गई थी तो दोस्तों ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जो कि पेपर 15 मार्च 2022 को होने वाला है काफी महत्वपूर्ण है उसके लिए तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके लिए लेकर आया है क्रैक यूपी लेखवाल एग्जाम और जो है आपको पता होगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है अकेडमी तो यूपी लेखवाल एग्जाम के लिए जो तीन मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फीस रखा गया एक हजार है सिक्स मंथ का है पंद्रह सौ रुपए और एक साल का फीस है दो हजार रुपए तो आप जो है जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहां से जाके और आप आसानी से जो है यूपी लेख वाले एग्जाम को कह कर सकते हैं यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर तो आपको वहां पर टेन डिस्काउंट भी हो जाएगा और साथ में जो है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो कोर्स फीस है थ्री मंथ का पंद्रह सौ है सिक्स मंथ का सत्ताईस सौ रुपए और बारह मंथ का तैंतीस सौ रुपए और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम एग्जाम लर्नर तो आपको टेन परसेंट का वहाँ एडिशनल डिस्काउंट भी हो जाएगा और यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर आप अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो कोई भी एग्जाम चाहे यूपीपीएससी का हो या यूपी त्रिपुलस सी आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे और साथ में जो है हमारा रेफरल कोड आप यूज़ जरूर कीजिएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर जिससे आपको वहाँ पे टेन परसेंट का डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा जो भी फीस है उसमें आपको उसके अलावा भी आपको जो है दस प्रतिशत की छूट मिल जाएगी तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय जरूर यूज़ कीजिएगा आपसे वहाँ पर मांगा जाता है